Hello friends, welcome to Khilji's Management Tutorials. In this session, we are going to study respiratory volumes and capacities, also known as pulmonary volumes or lung capacities. सबसे पहले जो बात यहाँ दी गई है वो ये है कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है. टाइडल वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, यानी कि इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, उस समय जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो. नॉर्मल ब्रीदिंग जैसे अभी हम फिलहाल जो कर रहे हैं वो नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम कभी कोई बलून को फुला रहे हैं, उसमें हवा भर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो एक्सहेलेशन होता है वो फोर्सफुल एक्सहेलेशन में आ जाता है. तो अभी फ़िलहाल के लिए हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि इंस्पायर होती है और एक्सपायर होती है एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे, उसी को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम. इसकी वैल्यू होती है 500 ml. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 ml. That is a healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 milliliter of air per minute. तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि 6000 और 8000 कहाँ से आ गया. तो एक इससे पहले ये बताऊँ तो एक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि एक मिनट में हम 12 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करते हैं, यानी एक मिनट में हम 12 बार ब्रीथ करते हैं. तो इसका कैलकुलेशन इस तरीके से होगा कि एक मिनट में हम 12 बार ब्रीथ करते हैं और 500 वैल्यू है टीवी की, तो 500 इंटू 12 हो जाएगा 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट. दूसरी चीज़ आती है कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि IRV क्या होता है. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, ये वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर है अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, जो कि एक इंसान फोर्सफुल इंस्पिरेशन के थ्रू, फोर्सिबल इंस्पिरेशन के थ्रू इंस्पायर करता है. तो ये एडिशनल वॉल्यूम जो होगा वो होता है IRV, और उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2500 से लेकर 3000 ml तक. उसी तरह से एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो हो जाएगा जब हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, तो वो अमाउंट ऑफ एयर, वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक्सहेल होती है उसी को हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन, दिस एवरेज इज 1000 ml टू 1100 ml, और इसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml तक. आगे रेसिडुअल वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, दिस एवरेज इज 1100 ml टू 1200 ml. यहाँ एक कंसेप्ट होता है कि हमारी बॉडी में जो लंग्स है वो लंग्स हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर को हमेशा कैरी करते हैं. ऐसा नहीं होता है कि हम कितना भी एक्सहेलेशन कर दें उसकी एयर खाली हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा. उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा रहती है. तो ये यहाँ ये कहा गया है कि रेसिडुअल वॉल्यूम यानी वो बची हुई एयर होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स जो लंग्स में रह जाती है इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन, कि हम कितना भी फोर्सफुल एक्सपिरेशन क्यों ना कर लें, कितनी भी हवा एक्सहेल आउट क्यों ना कर दें, फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो रह जाती है वो वॉल्यूम ऑफ एयर को हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. इसकी एवरेज वैल्यू होती है 1100 ml से 1200 ml तक. By adding up a few respiratory volumes described above, अगर हम ऊपर की जितनी भी volumes अगर उन्हें add कर दें, one can derive various pulmonary capacities. तो उसके बाद हम various pulmonary, जितनी भी lung capacities है, pulmonary capacities है, उसको आसानी से calculate कर सकते हैं, जो कि हमें clinical diagnosis में भी बहुत help करती है. Inspiratory capacity क्या होती है? अब total volume of air a person can inspire after a normal expiration, ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जब हम पूरा एक नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं नॉर्मल वाला, उसके बाद हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर पा रहे हैं उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो अगर कोई पूछे IC क्या होता है, तो IC इज इक्वल्स टू TV प्लस IRV, और TV हमने यहाँ पे पढ़ा था कि TV होता है 500 ml और IRV होता है 2500 से 3000 ml. तो जब हम इसे ऐड कर देंगे तो इसे जो कहेंगे उसका नाम होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. आगे होती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी को EC से डिनोट करते हैं. टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन. अब जब हम एक नॉर्मल इंस्पिरेशन कर लें, अभी ऊपर वाले केस में हमने पढ़ा नॉर्मल एक्सपिरेशन, अब हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन, कि हम एक नॉर्मल इन्हेलेशन कर रहे हैं
उसके बाद हम कितना एक्सपायर कर पा रहे हैं उसी को कहते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इसकी वैल्यू होती है टी वी प्लस ई आर वी, यानी ई सी इज इक्वल टू टी वी प्लस ई आर वी। और ई आर वी की वैल्यू हमने पढ़ी थी 1000 से 1100 ml, और टी वी तो हमें पता ही है 500 ml। तो मेन हमें सिर्फ ये तीन वैल्यूज़ को याद रखना है, टी वी, आई आर वी और ई आर वी, बाकी सब हम खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद आती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी वो कैपेसिटी है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन। हम कितना फोर्स्ड एक्सपिरेशन कर लें उसके बाद हम कितना और इनहेल कर पा रहे हैं और वॉल्यूम ऑफ एयर हम ब्रीद कर पा रहे हैं उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। इसकी वैल्यू होती है ई आर वी प्लस टी वी प्लस आई आर वी, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। यानी कि हमारी जितनी कैपेसिटी है हम इसमें सब ऐड कर देते हैं। आगे आती है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। ये फोर्स्ड इंस्पिरेशन करने के बाद वो जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में एकोमोडेटेड रह जाती है उसको कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। इसकी वैल्यू होती है आर वी प्लस ई आर वी प्लस टी वी प्लस आई आर वी। इसको हम वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम भी कहते हैं। तो टोटल लंग कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया टी एल सी इज इक्वल्स टू आर वी प्लस ई आर वी प्लस टी वी प्लस आई आर वी, या फिर वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो एक क्विक रीकैप कर लेते हैं सारी वैल्यूज़ को देखते हुए कि टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो होती है 500 ml, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 2000 से 3000 ml, फिर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो जाती है करीब 2500 से 3500 ml, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाती है 1100 ml एवरेज, फिर उसके बाद वाइटल कैपेसिटी हो जाती है 3500 से 4500 ml, वाइटल कैपेसिटी हो जाती है 3500 ml से 4500 ml, रेसिडुअल वॉल्यूम हो जाता है 1500 ml, फिर उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी होती है 5000 से 6000 ml।